अगर आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो वो बंदा आपका बहुत ज्यादा फायदा कर सकता है, लेकिन आपके हेल्थ एंड पैसे का बहुत तगड़े वाला नुकसान भी कर सकता है। 7 तरह के ट्रेनर्स जिनसे आपने बच के रहना। नंबर 1, आपके ट्रेनर को आपके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तब वो आपको सही से गाइड कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, बैड ट्रेनर। नंबर 2, अगर कोई ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देने से पहले आपकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर रहा है, ही इज अ बैड ट्रेनर। नंबर 3, कोई भी ट्रेनर आपको फास्ट एंड ड्रामेटिक रिजल्ट्स का प्रॉमिस कर रहा है, इज अ बैड ट्रेनर। नंबर 4, अगर कोई ट्रेनर के साथ काम करते हुए आपको आपके वर्कआउट्स पनिशमेंट लगते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। नंबर 5, अगर आपको कोई ऐसी डाइट की रिकमेंडेशन दी जा रही है जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं है, या फिर ऐसे फूड्स खाने को बोले जा रहे हैं जो आप बहुत रेयरली खाते हो, तो भी ये साइन है कि ही इज अ बैड ट्रेनर। अगर कोई आपको ऐसी पिल्स, कैप्सूल्स या कुछ ऐसी चीज दे रहा है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है, तो भाई भाग जाओ फिर। नंबर 7, बहुत सारे फूड ट्रेनर्स ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने कोई डब्बा खाना है तो वो उनसे ही अगर आप लोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।